अस्सलाम वालेकुम। आपने सुना होगा एक नई स्कीम आई है। क्या है वो स्कीम पता है? आज आप पैसा भरो, यानी आज आप टैक्स दो, इसका फायदा आपकी आने वाली जनरेशन उठाएंगे। आज टैक्स हाँ भरे मुमरा वाले हाँ और लेकिन इसका आने फायदा वाली आपने, ये जनरेशन आने पर वाली हमारे होगा। जनरेशन। स्कीम बेहतरीन एग्जाम्पल हॉस्पिटल है, पीछे कब से आया हुआ है, कब तक पैसे इसके लिए पास हो चुके हैं। आज तक मेरी भी जनरेशन, मतलब हम जो सेकंड जनरेशन आ चुकी है, हम तो फायदा नहीं उठा रहे। मतलब जो इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है, मेंटेनेंस कहाँ से होगा मैडम? अभी तो चालू स्टार्ट ही ही नहीं नहीं हुआ हुआ। है। तो अभी क्या होता है ना, चीजें जब बंद पड़ी होती है ना, तो जैसे कि अभी बताया गया कि चीजें बंद रखी रहेगी या उसके ऊपर कोई कोई देखने वाला नहीं होगा ना, तो उसका दुरुपयोग होगा, और वही हो रहा है यहाँ पर। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो है एक बेसिक सहूलत अगर कोई नहीं दे सकता ना, तो मुझे नहीं लगता। इसीलिए मैं पता नहीं क्यों मैं इनके नगर सेवकों को भी नाकारा हमेशा बोलती हूँ, और इनके एमएलए को भी हमेशा मैं नाकारा ही बोलती हूँ। क्योंकि एक टॉयलेट की बेसिक सुविधा आप अगर नहीं दे सकते हो, तो आप किस काम के? तो यहाँ पर आज अगर 1 साल से जो है ये टॉयलेट इंस्टॉल करके पड़ा हुआ है, तो आप चालू की नहीं कर रहे। अच्छा, एक नई बात और सामने आई है। नई बात ये है कि भाई क्रेडिट कौन लेगा? ऐसा तो नहीं, आने वाले उद्घाटन कौन करेगा? हाँ, चुनाव एजेंडा, बनाया जाए। हाँ एजेंडा बनाया जाए, मुद्दा बनाया जाए। यानी आप क्या करते हो, एंड एंड तक जो है ना, वो चीजों को होल्ड पे रखते हो। फिर जब चुनाव से कुछ टाइम पहले उद्घाटन भी करोगे, चीजों को माफ भी करोगे, लाइव भी खुद की टोरेंट को भी तुम बोलोगे मत भरो, मीटर मत लगाओ, ये मत करो, वो मत करो, तो भाई ये आपके जो है ना सोच रहे, ये मुमरा की जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। इस बार इस पे जो है वो मुमरा की जनता विश्वास नहीं करेगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आखिर में ये बोल दूंगी कि अगर हमने ये अधिकारियों से बात की, अगर ये टॉयलेट जगह जगह पे जहाँ पे इंस्टॉल है, 1 हफ्ते के अंदर अगर ये चालू नहीं होता है, तो खुद मुमरा की जनता किसी नेता का, किसी का इंतजार नहीं करेगी, वो खुद इसका उद्घाटन करेगी। तकरीबन 1 साल के आसपास हो गया। मैंने कहा नहीं, हमने इससे पहले भी लेटर वर्क किया है। कितनी बार किया है? इससे पहले भी आपको पता है हम लोगों ने लेटर वर्क किया है, हमने किया है, हमने यूसुफ अंकल के साथ मिलकर किया है, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर बात। अब जो है वो ना आप इसे बाहर हो चुकी है। अब हमने कहा है कि अब हम किसी नेता का, किसी ऑफिसर का इंतजार नहीं करेंगे, अब सीधा बुमराह की पब्लिक जो है ना, वो इसका उद्घाटन करेगी। पहले तो मैं रिजवान भाई आपको एक जो आपने फर्ज से सवाल किया स्टूडेंट के मसले को, उसके लिए मैं आपको एक ही बात बोल के खत्म करूंगा, आपका जवाब दे दूंगा। आप शायद जानते हो कि हम लोग उस उम्मत से जिसके लिए हमारे जो आप फिल्म जो है, जिन्होंने इतनी परेशानी करी, आज हम लोग उनके उम्मत बने, आज हम लोगों को दिन मिला। जब वो तकलीफ को बर्दाश्त किए, तो हम लोग उनके धूल भरा हुई तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हम तकलीफ बर्दाश्त करेंगे कभी तो जागेगी जनता, कभी तो साथ देगी। जिस तरह से आज हम लोग बहुत अच्छे उम्मती है, मतलब आज हम लोग ऐसे मतलब इस मसरे में कि उसका कुछ बोलना नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत हमको नीचे मिल रही है। हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और दूसरी बात, जो बड़ी बड़ी मेरी बेटी जो बोल रही है, हम उठा उठा कर देंगे, बच्चे के सब तो खुला पड़ा है, तो इसके ऊपर एफ आई दाखिल करो। वो अधिकारी के सो रहा है क्या? सेंगे जो दिनेश संघे जगह कार्यकारी अभियंता, उप कार्यकारी अभियंता है, वो क्या सो रहा है? वो क्यों अभी जब 16 लाख का इतना देखिए रैलिंग लगाया था, रैलिंग आप लोग माजूरों को पकड़ चल रहे, आप जैश लोगों को पकड़ चल रहे, रैलिंग तक चोरी करा, और यहाँ तक आप दिखा सकते हो उसके होल करके खोल दिया है। तो हमारी क्या ये अधिकारी सो रहे क्या? खाली इनको पगार चाहिए, काम नहीं करना है क्या?